यहाँ पे है मेरी चटनी, पुदीना, धनिया का पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन का कटलेट है, या तो फिर आप उसको कटलेट भी बोल सकते हो या स्प्रिंग रोल भी बोल सकते हो। मैदा का ये पेस्ट बना के इसमें डीप करके फिर हम लोग ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर देते हैं। और इसको अभी फ्रिज में रख दूंगी और निकालने के टाइम इसको फ्राई करूंगी। यहाँ पे है मेरा रबड़ी जो मैं ब्रेड का रस मलाई आज बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जब वैसे ये रबड़ी ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और अभी आप घड़ी में देख रहे हो 2:45 हो रहा है मेरा खाना, और इफ्तार का सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो चना है और ये है बेसन जिसका बनेगा बैगन का बचका। तो अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि जब हम इसको निकाल के फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने। और यहाँ पे अभी वो बाहर से लेके आए हैं ककड़ी, और यहाँ पे तरबूज वगैरह है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्या बोलते हैं इसको, तिलौड़ी। हाँ ये है तिलौड़ी जो अम्मी ने घर पे बनाया है, होममेड है ये। अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये होममेड है जो अम्मी ने बनाया है। तो अब हम लोग इसको ऐसे डब्बे में कंटेनर में स्टोर करके रख दिया, जब भी बनाना होगा इसका सब्ज़ी इसमें से निकाल निकाल के बनाएंगे। इसका चना दाल डाल के जो बनता है सब्ज़ी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और धूप काफ़ी तेज़ हो रही जिस वजह से बहुत ही टाइट और क्रिस्पी बन के निकला है ये। अभी मम्मी और इसका बनाने वाली हैं बाद में, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे डुगू के बर्थडे के स्पेशल के लिए मैंने बनाया चिकन बिरयानी, और ये है करीबन 3 किलो का चिकन बिरयानी मैंने बनाया जो कि अम्मी अभी बांटने वाली हैं। यहाँ पे जितने आस पड़ोस में लोग रहते हैं उन सबको बांटा जाएगा। है तब डुगू हैप्पी बर्थडे, डुगू को नानू नानू की तरफ से आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि ये साइकिल में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो, लेकिन अभी उसको सही से चलाना नहीं आ रहा, सही से चलाना अभी आप सीख रहे हो ना। नहीं अभी नहीं, अभी बाहर जा रहे हो मामू के साथ, कहाँ जा रहे हो? किसका नाप दिलवाने? कुर्ता का। इस बार डुगू पहनने वाला है जुब्बा। क्या पहनोगे? क्या ऐसे मत, अल्लाह खराब कर लेना, खराब इसको जुब्बा बोलते हैं उसको।
तो अभी डुब्बू जा रहा है अपने मामू के साथ कुर्ता का नाप देने के लिए। वहाँ पे वो कौन है भाई? दिवेश है। क्या नाम है? दिवेश। दिवेश का भी साइकिल है ना? आप लोग का पूरा राइडर ग्रुप है क्या आप लोग? मैं अकेला हूँ। इसमें पानी का बोतल भी था ना? हाँ। कहाँ गया? फ्रिज में। गजब 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 भाई गजब। फाइनली अभी इफ्तार वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग अभी 7 बज रहा है और 7:30 बजे हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट ईद के शॉपिंग के लिए। तो चलिए अभी डायरेक्ट आपको मिलते हैं मार्केट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये नया वाला प्लांट था ना, इसमें काफ़ी सारे नए लीव्स भी आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसकी ग्रोथ जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। और इसकी जो है इसकी भी हो रही है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, लेकिन इसका तो साफ साफ समझ में आ रहा है। कलर आप देख सकते हो दोनों का एकदम चेंज है, ये न्यू वाला है ये पुराना वाला है। तो अभी हो चुके हैं घड़ी में 7:20, बस 10 मिनट में हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए फटाफट से। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? Furious, you hide behind a fake exterior. Interior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take it. खतरनाक डिस्प्ले किया है भाई, खतरनाक है। यहाँ तो सिर्फ साड़ी का है, सूट वाले सेक्शन में चलो। बाकी कपड़े चलो ले लो। देखें हम ना ना I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. यस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैं ज़्यादा कुछ शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था, इतना भीड़ कि मुझे शूट करने का बिल्कुल भी मतलब लगा नहीं ऐसा कि मैं शूट कर पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। और दूसरी चीज़ कि हम लोग एकदम फंस गए थे ट्रैफिक में सब्जी बाग के साइड, तो आधा घंटा तो वहाँ पे ले लिया और 10 बज गए हम लोग घर आते आते, बहुत लेट भी हो गया था। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई सही से, पर जितना भी शूट कर पाई वो आप लोग देख चुके होंगे। और बाकी का जो मैंने क्या शॉपिंग किया, क्या लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि पापा कब से वेट कर रहे हैं खाना पे, ऑलरेडी हम लोग को लेट हो गया है घर आने में। तो अभी मिलते हैं बिल्कुल, आई प्रोमिस मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।